हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर विच आपां एक्सट्रिंसिक ते इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बारे स्टडी कीता सीगा। सो इन दिस लेक्चर वी डिस्कस टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंप्योरिटी एडेड इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज़ पी टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड सेकेंड वन इज़ एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। सो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स वेन सुटेबल ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड टू प्योर जर्मेनियम और सिलिकॉन, वी गेट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स नॉन एज ए पी टाइप। मतलब जो आप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी प्योर जर्मेनियम या सिलिकॉन में ऐड करते हैं, सो वी गेट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नॉन एज ए पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। सो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी से इंडियम हैज थ्री वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो वेन एटम ऑफ इंडियम इज एडेड इन टू द सेमी कंडक्टर क्रिस्टल्स, दिस एटम रिप्लेस वन ऑफ द सेमी कंडक्टर एटम एंड सेटल इन द लेटेस्ट साइड ऑफ रिप्लेस्ड सेमी कंडक्टर एटम। सो दिस इंडियम एटम फॉर्म थ्री कोवलेंट बॉन्ड्स विद द नेबरिंग थ्री सेमी कंडक्टर एटम्स। मतलब इंडियम दे थ्री वेलेंस इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन दे थ्री वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स नाल बॉन्ड फॉर्म करते हैं एंड जो फोर्थ बॉन्ड रिमेन्स इनकम्प्लीट विच हैज़ डेफिशंसी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। सो ये डेफिशंसी जो इलेक्ट्रॉनसी हैगी वो की क्रिएट करती है, होल क्रिएट करती है एंड बिहेव लाइक एज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। सो ये होल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेबरिंग कोवलेंट बॉन्ड टू फिल इटसेल्फ। सो ए ऑल न्यू होल इज क्रिएटेड एट द साइड फ्रॉम विच द इलेक्ट्रॉन हैव बीन अट्रैक्ट टू फिल द होल। सो इन दिस वे ए नंबर ऑफ होल्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग मोर एंड मोर इंडियम एटम्स इन द सेमीकंडक्टर क्रिस्टल्स। मतलब जिदा जिदा आप इंप्योरिटीज़ ऐड करते जाते हैं उदा उदा होल्स जोड़े है उन्होंने इन नंबर ऑफ होल्स जोड़े है वो इंक्रीज़ होंगे। सो इस करके जी मेजोरिटी चार्ज कैरियर होंगे है अपने को इन दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जोड़े होंगे वो अपने को माइनॉरिटी कैरियर से होंगे है इट्स इन द पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। सो ईच इंडियम इंप्योरिटी एटम एक्सैप्ट वन इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज वन जो फोर्थ होंगे वो फ्री होंगे तो उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन्स की नीड होंगी है। सो ये अपने को लेकर होंगे एक्सैप्टर इंप्योरिटी होंगी है। सो डोनर होल्स गिव बाय द एक्सैप्टर इंप्योरिटी इनक्रीज द रेट ऑफ री कॉम्बीनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द सेमी कंडक्टर्स। सो अगर आप एनर्जी बैंड डायग्राम आप डिस्कस करते हैं पी टाइप सेमी कंडक्टर्स विच, तो एनर्जी बैंड गैप ऑफ पी टाइप सेमी कंडक्टर इज शोन इन डायग्राम। डायग्राम च देखो ये अपने को जो एनर्जी लैवल हैगा होल्स इन द पी सेमी कंडक्टर जस्ट अबव द वेलेंस बैंड, जिसनों की बोलते हैं एक्सैप्टर लैवल बोलते हैं, जो कि वेलेंस बैंड के बिल्कुल अबव हैगा। सो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एक्सैप्टर एंड हाईएसट एनर्जी लैवल ऑफ वेलेंस बैंड इज मच स्मॉलर, ठीक है, दैन द फॉरबिडन एनर्जी गैप, क्योंकि सिलिकॉन में ऐड कर रहे हैं तो सिलिकॉन का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होंगे वो 0.72 होंगे है, बट जो डिफरेंस है एक्सैप्टर्स से हाईएसट एनर्जी लैवल वेलेंस बैंड का वो 0.01 है। सो एट रूम टैंपरेचर द थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स इन द वेलेंस बैंड आर ईजली ट्रांसफर टू द एक्सैप्टर लैवल एंड हैंस लार्ज नंबर ऑफ होल्स आर क्रिएट इन द वेलेंस बैंड। सो दीज जे होल है एक्ट एज ए करंट कैरियर इन द पी टाइप सैमी कंडक्टर्स विच इज कनैक्टड अक्रॉस द बैटरी। अगर आप सेकेंड टाइप की गल करते एन टाइप सेमी कंडक्टर्स वैन सुटेबल इंप्योरिटी, अगर आप पेंटाविलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं प्योर जर्मेनियम क्रिस्टल्स विच, वी गेट एन टाइप सेमी कंडक्टर्स। सो पेंटाविलेंट इंप्योरिटी से आर्सैनिक हैज़ 5 वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो जो आर्सैनिक एटम एडिड करेंगे सेमी कंडक्टर क्रिस्टल विच, इट रिप्लेस सेमी कंडक्टर एटम्स एंड सैटल डाउन इन द साइड ऑफ रिप्लेस्ड सिलिकॉन एटम्स। सो ये आर्सैनिक के जो 4 कोवलेंट बॉन्ड्स शेयरिंग विद द 4 इलेक्ट्रॉन्स विद द नेबरिंग